तो जो चीज़ आपको पता नहीं है प्रॉपर करना, कभी भी हाँ मत बोलो घर वालों को कि हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आप फंस जाओगे बहुत ही गंदा। थोड़ा सा खराब लगा है मेरे को यहाँ पर, क्योंकि मम्मी ने मेरे को दिया कि आलू को पका दे, मैंने उसे जला दिया, फिर मम्मी आके मेरे को डांटी, फिर मैंने बोला कि ठीक है आप टेंशन मत लो सारे, मैं खा लूँगा आलू, जितने भी काले पड़ गए हैं सारे मैं खा लूँगा, अच्छे वाले आप बना लो और खा लो। तो मम्मी हंसने लग गई और यहाँ मैं उदास होकर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, चलिए आइए मम्मी से पूछते हैं। मम्मी आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलता है बताओ बताओ। आलू तो मम्मी ने मेरे को दे रखा था आलू पकाने, बट उसे मैंने जला दिया है। मम्मी ने किया हुआ है बचपन से होटल मैनेजमेंट, उनकी टीचर जो है यहाँ बैठी हुई है। यह है उनकी टीचर, ठीक है, जब से पैदा हुई है तब से होटल मैनेजमेंट भी कर रही है। मम्मी ये सारे आलू कौन खाएगा बताओ? आलू हाँ तो ये सारे आलू आज मेरे को खाने पड़ेंगे, काले काले देख रहे हैं, यहाँ मजेदार खाना बन रहा है। इसीलिए बोलते हैं होटल मैनेजमेंट कर लो ताकि आप खाना अच्छा से पका सको, बिना होटल मैनेजमेंट किए खाना मत बनाओ, यही सीख मिली आज मेरे को। मम्मी हंस रही है, ये देखो ये देख रहे हो गलत सीन हो गया आज तो। यू नो वट आई फील सो ब्लेस्ड कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और लोगों को अपने गोल अचीव करने में उनकी मदद कर रहे हो, उनके अपने फिटनेस पे काम करवा रहे हो, उनके अपने रूटीन आप मैनेज करवा रहे हो, एंड जब उनकी तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है ना कि हाँ आपने उनके गोल अचीव करने में उनकी पूरे 100% दिए हो एंड दे अचीव दैट, वो खुशी बहुत ही अलग है। मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ अभी, एंड मुझे अभी कम से कम लाइक 16 to 17 लोगों से मुझे वो रेस्पॉन्स मिला हुआ है। रिसेंटली कल भी मेरे को एक मेरे क्लाइंट से रेस्पॉन्स मिला, जो मेरे अपने ही होते हैं बेसिकली, तो अच्छा लगता है। बेसिकली होता क्या है, आप जो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जो चीज़ें उनको बता रहे हो, सबसे पहले आप अपने पे काम करते हो। हाँ मैं अपने पे सबसे पहले उन चीज़ों को रिसर्च करता हूँ, उन चीज़ों से देखता हूँ मेरे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हो रही है या फिर मेरे बॉडी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, देन आई सजेस्ट दैट, क्योंकि मैं वो चीज़ें पढ़ रहा हूँ, सो आई नो कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, अपने फिटनेस पे कितना काम करना चाहिए। सो आपको बहुत अच्छा लगता है कि इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो आपको और ज़्यादा मन करता है कि और ज़्यादा मेहनत करो, और ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको डिस्क्राइब करो, उनको और ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट करो, ये करो वो ना करो, सो यू फील ब्लेस्ड राइट, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी को भी फल वेजिटेबल्स कुछ भी खाना हो मेरे घर आ जाओ, ये देख रहे हो केला भी है, वो भी मिल जाएगा आपको। सब कुछ है यहाँ, नींबू का पेड़ है,
तो जब आप किसी को भी कुछ भी सजेशन दे रहे हो, कोई भी प्लान दे रहे हो फॉलो करने के लिए, तो अगर वो उनका गोल अचीव कर लेते हैं, तो एक सवाल उनसे हमेशा बिल्कुल पूछना कि वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कितना रेट कर रहे हैं। ठीक है, उससे आपको एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको काम करने में और मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हाँ, आप तो देख रहे हो, आप अपने क्लाइंट्स का देख रहे हो कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, क्या वो खुश हैं? अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सही है, ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या उनके इधर इफेक्ट हुआ है, उनको यहाँ लगा है कि हाँ चलो कम से कम मेरे कोच ने मेरे को ये सजेस्ट किया एंड ये अचीव कर लिया हूँ मैं और मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, तो वो कितना रेट कर रहे हैं आपके चीज़ों को लेके? वो क्वेश्चन हमेशा अपने क्लाइंट से, अपने लोगों से बिल्कुल पूछना। मज़ा तब है जब मम्मी कुछ बना रही हो और उधर ही जाके खा लो उनके पास। बारिश हो रहा है, बारिश के साथ चाय पकौड़ी। हाँ, अभी अंधेरा है। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। Thank you.